Your gym friend Manu Jamal. Today's video is on what are the precautions or medicines to be considered or taken while using growth hormones for the treatment of nightfall. कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 500% सॉल्यूशन दिया था नाइटफॉल का. तो उसके रिगार्डिंग मेरे को क्वेश्चंस आने शुरू हो गए कि सर इससे एस्ट्रोजन बढ़ता है, इससे प्रोलैक्टिन लेवल हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी डोज क्या सेफ़ डोज है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन करा हुआ है पिछली वीडियोस में. इसके लिए नाइटफॉल के लिए बेस्ट डोज क्या है, उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसे कवर अप कैसे करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बता दूँ, ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ होते हैं जब नॉर्मल बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है. उनको दिया जाता है 0.01 IU, लोएस्ट डोज है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं. जब एड्स हो जाती है किसी को, मसल रिकवर नहीं होता, ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं टिश्यूज़, तब उनको भूख बढ़ाने के लिए, रिकवरी के लिए 0.03 IU GH रेफर करा जाता है. ये प्रेफरेंस लेवल है एड्स वाले पर्सन की. जब हमने मसल्स गेन करने हैं 4 IU मोर देन इनफ. जब हमने फैट बर्न करनी है 2 IU मोर देन इनफ. जब हमने नाइटफॉल के लिए जाना है 0.5 IU इज़ मस्ट. दिस इज़ द सेफेस्ट डोज. यू हैव टू कंज्यूम ओनली 1 tab ऑफ रिमीडेक्स, जो कि आपकी हेल्प करेगी एस्ट्रोजन को ना बनने के लिए, जिसे आप चेस्ट में फीमेल हार्मोन का प्रोड्यूस होना. तो एस्ट्रोजन लेवल नहीं बढ़ेगा अगर आप सिप्ला की रेमोट्रेज, जो कि रिमीडेक्स उसका सॉल्ट है, वो यूज़ करेंगे. तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी है. दिस वन इज़ रिमीडेक्स रेमोट्रेज, जो एस्ट्रोजन नहीं होने देगी. ये आपने आधी गोली एवरी अदर डे लेनी है, दैट इज़ इट. नो नीड टू कंज्यूम एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग क्योरमेंट और प्रिवेंशन ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. तो आपके ये आधी गोली एक दिन छोड़ के लेंगे तो आपको एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब क्या होता है कि कई लोग कहते हैं इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी. भाई ये इम्प्रूवमेंट लाता है. हाँ जी, ये है. जब आप 4 IU डोज पे जाते हैं तो इसकी PCT करनी ज़रूरी है. और PCT के दौरान आप जब ग्रोथ हार्मोन की PCT यूज़ करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, तो उसकी PCT भी ग्रोथ हार्मोन के साथ ही होगी. तब उसकी डोज 0.02 IU और 3 IU पे आ जाएगी. और नेक्स्ट 15 to 1 month आपने इसी डोज पे चलाना है इसे. एक और बात बता दूँ, तो अभी जब आप 0.5 IU ले रहे हैं नाइटफॉल के लिए, 3 months के लिए, 0.5 IU अर्ली इन द मॉर्निंग और 0.5 IU बिफोर गोइंग टू बेड. तो ये तो हो गया आपका 3 month के लिए आपने कैसे यूज़ करना है GH को. जब आपके 3 month हो जाएं तो आपने उसके बाद इसको 0.03 से लेके 0.01 तक धीरे 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 1 month में ऐसे बंद करना है. स्ट्रेट वे आप इसे बंद नहीं करेंगे. और जो लास्ट 15 डेज होंगे उसमें आप टेमोक्सिफिन यूज़ करेंगे. फर्स्ट वीक 2 tabs डेली और लास्ट 7 days 1 tab डेली. और यू कैन कंज्यूम 2 tabs फर्स्ट वीक और 2 tabs नेक्स्ट सेकेंड वीक, नो इशू. वो भी आपको सिप्ला की मिल जाएगी, मैंने उसकी भी वीडियो बना के बताया हुआ है कि वो क्या है, टेमोक्सिफिन कैसी होती है. सो गाइस, दीज आर द बेसिक, दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रोथ हार्मोन्स, रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ और क्योरमेंट ऑफ नाइटफॉल. तो एक और चीज़ बता दूँ, मैंने ये क्यों कहा था कि ये आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं. देखें, 16 IU का एक बड़ा पैक होता है रनबैक्सी का, 4 IU के 4 pack होंगे. एक पैक को जब आप फिल करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, यू हैव टू कंज्यूम दैट पैक विद इन 24 आवर्स. तो अगर आपने 0.5 IU अभी लिया, 0.5 IU आपने रात को लिया, नेक्स्ट डे आप 0.5 ले सकते हैं. 2 IU यूज़ हुआ, 2 IU आपका वेस्ट जाएगा. यू हैव टू अवॉइड दैट. आपको वो यूज़ नहीं करना, थ्रो इट आउट प्लीज़ गाइज. पैसे बचाने के चक्कर में वो किसी काम का नहीं है, वो डेड हो चुके हैं हारमोन्स. 24 आवर्स के बाद आप उसे नहीं यूज़ कर सकते एक बार फिल करने के बाद. तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू इट्स अ कॉस्टली ट्रीटमेंट, बट 500% सॉल्यूशन यू विल गेट, डेफिनेटली गेट थ्रू GH रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ नाइटफॉल. एक और चीज़, जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं गाइस तो कई बार मैं नहीं चेक कर पाता. अगर आपने कॉल करनी है तो मेरा नंबर है 8054416091 पे कॉल करें, और व्हाट्सएप नंबर मेरी पुरानी वीडियोस के पीछे एंड पे है. तो प्लीज़ वही क्वेश्चन पूछें जो आपके काम है, चुतियापा मत किया करें. कई चुतिया लोग आके पूछते हैं भाई ये, जबकि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है. भाई जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना उससे पूछो उसका दिन रात कैसे निकलता है.
तो अपनी क्या बोलूँ अब मैं, गांठ मराने की जगह ना आप अच्छी बात किया करो, और अगर किसी का कुछ हो रहा है फ़ायदा फ्री में तो उसका उसको करने दो, मत अपनी जगह जगह पे खड़ी किया करो. सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस ऑन द स्क्रीन. सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू गेट अ गुड रिजल्ट बाई यूजिंग दिस टू क्योर नाइटफॉल. तो आप मेरे, मैंने आपको रिपीट कर दिया, आपको मैंने अपना नंबर दे दिया, व्हाट्सअप नंबर आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ के एंड में मिल जाएगा. सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.